कपिल सिब्बल जैसे नेता कई बयान भी दे रहे हैं, क्या आगे का रोल? कपिल सिब्बल जी कोई कांग्रेस संस्कृति के व्यक्ति नहीं है। कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, माने वकील रहे देश के, अभी है भी। और वो कांग्रेस में उनकी एंट्री हो गई, तो कांग्रेस का जो कल्चर है, संस्कृति है, संस्कार है और प्रक्रिया है, कैसे कैसे जमीन पे कार्यकर्ता के रूप में झगड़ा ही हो पहले, फिर धीरे धीरे वो ब्लॉक में जिले के अंदर आए, उसके बाद में उसको चांस मिलता है प्रदेश माने का, कोई विधायक बनता है, कोई मेंबर पार्लियामेंट बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई कुछ नहीं बनता है और काम करता रहता है। तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल जगह मिली है, वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बनना अलग बात है, परंतु जो कांग्रेस की संस्कार संस्कृति, वो खाली कोई संविधान में जो मूल भावना, उसको तो हम सब मानते हैं, आदर करते हैं और करना चाहिए, परंतु जो कांग्रेस का संघर्ष हुआ आजादी के पहले, आजादी के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी की हत्या हो गई, सरदार बैन सिंह जी की हत्या हो गई, देश नाबूद कर दिया, आतंकवाद को खालिस्तान नहीं बनने दिया, ये कभी से बड़ी भूल जाते हैं क्या? और इस परिवार का कोई व्यक्ति, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 30 साल में ना तो मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री बना है, फिर भी देशवासी चाहते हैं हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर क्षेत्र के लोग, दक्षिण के हो या पूर्व के, पश्चिम के हो, उत्तर के हो, सब चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को एकजुट रखना है तो गांधी परिवार के नेतृत्व में एकजुट रह सकती है। ये अगर विश्वास या क्रेडिबिलिटी उनकी बनी हुई है तो आज हर कांग्रेस उनके साथ में है। इनको कपिल सिब्बल जी के